Janab, go ahead. Lady, finally, we have reached towards the end of this place. And yeah, jo hai Rocky Mountains se guzarte hue, finally hum White Rock area mein aa gaye hain. This is a border. Ye aap dikhaye agar ye jo jitne bhi ye patthar rakhe hain inhone sare. This is dividing the water of Canada and America. उन्होंने अपनी अपनी दुनिया लगाई हुई है. तो ये कौन सी जगह है? समुंदर कौन सा है? Vancouver ये Pacific Ocean में हम आ चुके हैं. को उन्होंने दो हिस्सों में पानी को भी डिवाइड कर लिया है. ये जो पीछे शहर है यूएसए का, शहर ब्लेन, तो वो वहाँ पहुँच गए हैं. और ये पीछे जरा दिखाएं जरा कितना खूबसूरत. ये कैनेडियन सिटी है वैंकूवर का, रॉक व्हाइट रॉक. व्हाइट रॉक ये फ्लोटिंग उसके अंदर वो भी है, वहाँ से भी जाते हैं. दैट इज फ्लोटिंग बोट. जी जी राना साहब बताएं, यहाँ पे ये चीजें होती हैं. इधर बताएं जनाब पीछे व्यूज को भी. फ्लोटिंग बोर्ड के ऊपर जा रहे हैं, अगर इसका लंबा करें भाई इसको. फ्लोटिंग बोर्ड के ऊपर अभी हम जा रहे हैं. इधर इधर सी दिस फ्लोटिंग बोर्ड है. ये फाइल यहाँ फ्लोटिंग बोर्ड के ऊपर चढ़ रहे हैं. ये इसमें फ्लोट कर रही है. हाँ, ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है. ये बॉर्डर है यूएस का और कनाडा का. इन पत्थरों के उस साइड पे यूएसए है. क्यों जी राना साहब? जी जी उस तरफ यूएसए, इस तरफ कनाडा. डिवीजन हुई है इसके नाम फ्लोटिंग बोर्ड के ऊपर है जो इसके साथ बंधी हुई है. और ये भी देखें, ये भी हिल रहा है. तो इसलिए ये एक्साइटेड तो बहुत एक्साइटेड. वो पीछे वाइट रॉक पड़ी हुई है जिसकी वजह से इस टाउन का नाम वाइट रॉक रखा हुआ है. We have traveled all the way from here to this place. We are now in the bed of the Pacific Ocean. Very great experience, amazing here.